विश्व स्तरीय खेल अमेरिका में आयोजित 2015 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में सरकाघाट के गांव मडरेशा तहसील बदरोटा की रहने वाली विकलांग पलक भारद्वाज ने भाग लेकर देश के नाम 2 सिल्वर मेडल अर्जित किए थे और 23 जनवरी 2017 को जिला प्रशासन मंडी हिमाचल की ओर से पलक भारद्वाज को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था, लेकिन 2015 से लेकर अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई है। पलक भारद्वाज के पिता भीम सिंह भारद्वाज ने कहा कि उनकी बेटी ने विश्व स्तर पर 2 सिल्वर मेडल जीतकर पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम ही ऊंचा नहीं किया बल्कि पूरे भारत का गौरव बढ़ाया है। शिमला में 15 अक्टूबर 2015 राज्यपाल द्वारा स्मृति चिन्ह देकर विकलांग बच्चों को सम्मानित किया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद कांग्रेस सरकार ने 8 अप्रैल 2017 को एक खेल आयोजन में इन बच्चों को 25,000 और 50,000 की राशि दी, जिसे उन्होंने बेइज्जती समझकर इनाम लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को मेल के माध्यम से पत्र भेजा है और कई बार मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मिल चुके हैं। पलक के पिता ने कहा कि अन्य राज्यों में गोल्ड विजेता को 15 लाख, सिल्वर विजेता को 10 लाख, तांबर पदक विजेता को 5 लाख की राशि दी जाती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ओलंपिक गेम्स में विजेता खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए राज्य सरकार दे रही है, फिर प्रदेश सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? ये खेल है, उसमें उसने 2015 में 2 सिल्वर मेडल रोलर्स की टीम में जीते थे। उस वक्त की मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री साहब वीरभद्र सिंह जी उस बच्चे से मिले थे और उसके बाद कई बार मीडिया में इसके बारे में बताया गया, मीडिया वालों ने कई बार इसके बारे में लिखा, मगर इस बच्चे को 2015 से लेकर आज 2022 हो गया, इसको ना कोई इनाम राशि हिमाचल सरकार से मिली, सिर्फ मात्र राज्यपाल के साथ फोटोग्राफी जरूर हुई है। राज्यपाल साहब ने भी आश्वासन दिया था कि इसकी फोटोग्राफी की जाएगी, सॉरी राज्यपाल साहब ने कि इसको फोटो जो फोटो हुई थी उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि आप चिंता मत करिए, इसके बच्चे के बारे में हम लोग जो भी होगा इसको उचित इनाम दिया जाएगा, मगर आज तक हिमाचल सरकार से हमारे को किसी ने कोई संपर्क नहीं किया। हाँ जरूर 50,000 रुपये 25,000 रुपये मात्र इस बच्चे को 2017 में दे रहे थे, जिसका मैंने बहिष्कार किया था कि उसका कारण ये था कि मैंने इन सरकार से मांग की थी कि दूसरे राज्य जैसे हरियाणा सरकार ने उस वक्त स्पेशल ओलंपिक भारत के बच्चों को 15 लाख रुपये गोल्ड मेडल पे दिया था, 10 लाख रुपये सिल्वर पे दिया था, 8 लाख रुपये ब्रॉन्ज पे दिया था, ऐसे ही यूपी सरकार ने भी 10 लाख रुपये, 8 लाख रुपये और 6 लाख रुपये दिया था। दिल्ली सरकार की कटिंग मैंने दी थी, उन्होंने 10 लाख रुपये, 8 लाख रुपये और 5 लाख रुपये दिया था, मगर हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार मात्र 25,000 रुपये 2 साल के की मांग के बाद 25,000 रुपये दे दी, जिसका हमने बहिष्कार किया था। तो मेरी मांग ये है सरकार से, जैसे दूसरी राज्य सरकारें अपने बच्चों को प्रोत्साहन देती है, और ये बच्चा तो विकलांग बच्चा है, ये बच्चा एक संवेदना ही नहीं है सरकार के अंदर। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।